दोस्तों, जिंदगी में तरक्की और सुख कौन नहीं चाहता, लेकिन ये ख्वाहिश उन्हीं लोगों को पूरी होती है जो दूसरों की इज्जत करते हुए आगे बढ़ते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं और जरूरत पड़ने पर दूसरों की हेल्प करते हैं। और अगर कोई किसी का बुरा सोचकर आगे बढ़ता है तो वो कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुँच सकता, और अगर पहुँच भी गया तो बहुत ही जल्द उसका डिमोशन हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों, आपने ये बात सुनी ही होगी कि जो लोग दूसरों का बुरा सोचता है उसका खुद बुरा होता है। और दोस्तों, इतिहास में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमें जिंदगी जीने के कुछ तरीके और ढंग बताए हैं जो वास्तव में 100% सही है और सच भी। आज मैं आपको इन्हीं लोगों द्वारा एक्सप्लेन किया हुआ 5 ऐसे बातों को बताने जा रहा हूँ जो किसी की भी लाइफ को बर्बाद कर सकती है और सक्सेस की जगह डार्क यानी कि सफलता की जगह अंधेरा ला सकती है। अगर आप में भी इनमें से कोई आदत यानी कि हैबिट है तो बहुत ही जल्द उसमें सुधार कर लेना ही आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस 5 बुरी आदतों को जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए, यानी कि 5 बैड हैबिट्स दैट विल रुइन लाइफ। नंबर 1, टू प्रेज योर सेल्फ यानी कि खुद की तारीफ करना। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को खुद की तारीफ करने की आदत होती है जो हर एक बात में ओनली अपनी ही बड़ाई करते हैं, और ऐसी आदतें किसी को भी घमंडी और मतलबी बना देती है। दोस्तों, इस तरह के लोग हर किसी के सामने अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, जो बहुत ही गलत बात है क्योंकि ऐसे लोगों को कोई लाइक नहीं करता है, सभी के सभी लोग इनसे नफरत करते हैं। और जिस मनुष्य की खुद की तारीफ करने की आदत होती है यानी कि हैबिट होती है, वो अपनी जिंदगी को बहुत ही जल्द बर्बाद कर लेते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि कोई उस पर यकीन नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है। इसीलिए दोस्तों, ऐसी आदत से जितना हो सके बचना ही अच्छा और बेहतर है। नंबर 2, इंसल्ट अदर पर्सन यानी कि दूसरों की बुराई करना। दोस्तों, बहुत से लोगों की आदत ये होती है कि वो दूसरों की निंदा शिकायत करते हैं, और ये लोग ऐसा तब करते हैं जब किसी भी कामों में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। और जो लोग सक्सेस होने वाले हैं या फिर सक्सेसफुल हो चुके हैं, उन्हें ये लोग अक्सर नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप में भी ऐसी कोई आदत है तो प्लीज अपनी इस आदत को बदल लीजिए, क्योंकि जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरे लोगों की निंदा शिकायत करते हैं, वो कभी भी बड़े नहीं बन सकते हैं, और इससे सक्सेसफुल लोगों पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि जो लोग सक्सेस होते हैं वो निंदा शिकायत बुराई करने वाले लोगों पर ध्यान ना देकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। इसी वजह से ये लोग और भी ज्यादा सक्सेस हो जाते हैं, और बुराई करने वाले लोग सक्सेसफुल लोगों से बहुत पीछे रह जाते हैं। नंबर 3, इंसल्ट ऑफ गॉड यानी कि अपने अल्लाह की अपमान करना। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ईश्वर का अपमान करते हैं, और दोस्तों, जो व्यक्ति ईश्वर का अपमान करता है, जो भगवान को नहीं मानता है, सिर्फ अपने आप को सब कुछ मानता है, ऐसे लोगों को हमेशा सर्वनाश ही हुआ है और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, जब ये दुनिया है तो इसे बनाने वाला भी कोई ना कोई जरूर होगा, अपने आप कुछ नहीं बन सकता। इसीलिए फ्रेंड्स, आप मेरे बातों पर यकीन कीजिए, गॉड है, रियली में है, वो हम लोगों को कंट्रोल करता है, वो जब चाहे राजा को रैंक बना सकता है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान को अपमान मत करना। और अगर लाइफ में कोई प्रमोशन मिले तो ये मत कहना कि ये सब मैंने किया है, बल्कि ये कहें कि मैंने तो सिर्फ मेहनत की है, बाकी सब ऊपर वालों का मेहरबानी है। नंबर 4, मस्ट डोनेट यानी कि दान जरूर दें। दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग ही दान पुण्य देते हैं, बस इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, फिर चाहे वो कोई गरीब ही क्यों ना हो, उसे अपने से छोटे लोगों की हमेशा हेल्प करना ही चाहिए। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर पर्सनली सुजेस्ट करूंगा कि अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो अपनी इनकम का मात्र 10% गरीब लोगों में दान करें। लेकिन दोस्तों, आप दान उसे ही देना जिसे ज्यादा जरूरत हो, जो ज्यादा गरीब हो,
जिससे वास्तव में दान की जरूरत हो, क्योंकि दोस्तों जरूरतमंद लोगों की हेल्प करने से हम गरीब नहीं हो सकते, ऊपर वालों ने हमें इससे भी ज्यादा देगा। नंबर 5, रिस्पेक्ट और रिलीजन, यानी कि सभी धर्म का सम्मान करें। दोस्तों मैं एक इंडियन पर्सन हूँ और हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा धार्मिक लोग रहते हैं, और सबके बारे में पढ़ने के बाद मुझे यही लगता है कि सभी में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर छिपी हुई है। इसीलिए मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी रिलीजन से हो, अपने धर्म का पालन करो और दूसरे का धर्म का सम्मान करो। ना कोई मुस्लिम मंदिर में जाने से हिंदू बन जाता है और ना ही कोई हिंदू मस्जिद में आने से मुस्लिम बन जाता है, सब कुछ एक ही है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली अपना रिलीजन फॉलो करो और दूसरे धर्म का पालन करो, किसी की निंदा शिकायत मत करो। अगर आप ऐसे लोगों में से हो तो दुनिया में आपको हर कोई अच्छे नजरों से देखेगा और आप एक होनहार इंसानों में से भी एक हो।